मैं ये वीडियो डालने में थोड़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि छठ पूजा के बाद मैं शादी में चली गई थी, इसलिए छठ पूजा की मेरी पार्ट वन वीडियो देख चुके हैं जिसमें कि नहाए खाए और खरना की वीडियो मैंने डाली थी। और आज जो वीडियो मैं डाल रही हूँ वह छठ पूजा की पार्ट टू की वीडियो है जिसमें कि शाम को अर्घ देते हैं और दूसरे दिन सुबह में अर्घ देते हैं, उसकी वीडियो है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज है षष्ठी और षष्ठी को शाम में डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिए जाते हैं। तो आज के दिन हम लोग सबसे पहले उठकर सुबह में ही नहा धोवा कर 6 बजे के आसपास ही ठेकुआ बनाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ठेकुआ बहुत सारे बनाने होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं और अच्छा खासा टाइम लग जाता है ठेकुआ बनाने में। तो ये देखिए हम लोग सभी मिलकर ठेकुआ बना रहे हैं। यहाँ पे जो ठेकुआ सूप पर चढ़ाए जाते हैं वो बिना खाए पिए नहा धोवा कर ही बनाते हैं। सबसे पहले वो चावल के आटे के जो लड्डू बनते हैं वो बना लिए जाते हैं और उसके बाद ठेकुआ बना लिए जाते हैं। तो जो चावल के आटे के लड्डू बनते हैं उसे हम लोग लड़ुआ कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है। छठ पूजा की प्रसाद आम की लकड़ी से बनाए जाते हैं क्योंकि आम की लकड़ी को शुद्ध माना जाता है। आम की लकड़ी और चूल्हे वगैरह सभी बाजार में मिल जाते हैं। बहुत सारे ठेकुए बनाने होते हैं और बहुत सारे काम होते हैं, फल वगैरह भी धोने होते हैं और फिर सूप भी सजाने होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो चूल्हे पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये गैस का चूल्हा भी हम लोग जला रखे हैं ताकि जल्दी हो जाए। यहाँ पे चीनी को जल्दी घुलने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं और इसमें चीनी भी डाला हुआ है। तो इस तरह से एक टब में आटा गूंथते जाते हैं ठेकुआ का, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे टब में फिर से गूंथते हैं, फिर इस तरह से ठेकुआ बनते जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग मिलकर बना रहे हैं। छठ पूजा बहुत ही बड़ा पर्व है क्योंकि जो व्रती होते हैं उन्हें खरना के दिन भी फास्टिंग करनी होती है और शाम में खरना करते हैं और दूसरे दिन षष्ठी के दिन पूरी तरह से फास्टिंग में रहनी पड़ती है और शाम में डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। फिर उसके दूसरे दिन यानी कि सप्तमी को सुबह में डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिए जाते हैं और अर्घ देने के बाद हुमा देकर फिर पारण किए जाते हैं। तो 3 बज गए हैं और ठेकुआ बनाना हम लोग बंद कर दिए हैं और ये सारे फल वगैरह भी हम लोग धो चुके हैं। अब हम लोग सारे फल में सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद सूप सजाएंगे। तो फल में क्या क्या फल चढ़ाए जाते हैं तो वो आपके सामने है, तो आप लोग देखिए कौन कौन से फल यहाँ पे है। तो फल के साथ साथ मूली भी चढ़ाए जाते हैं, ईख भी हैं और केले हैं, पानीफल सिंघाड़ा भी है और संतरे भी हैं, सेब भी है और बड़ा वाला नींबू भी है जिसे कि महता भी हम लोग कहते हैं। ये देखिए तो इस तरह से सभी फल में सिंदूर लगाते हैं, बिना सिंदूर लगाए कोई भी फल नहीं चढ़ाए जाते हैं और ठेकुआ भी जो सूप पे चढ़ाए जाते हैं उसमें सिंदूर लगाकर ही चढ़ाते हैं। तो आप लोग आगे देखते रहें कैसे हम लोग सूप सजा रहे हैं। तो हम लोग सूप सजा चुके हैं और अब सभी सूप को दौरे में बांधेंगे। तो दौरे में भी देखिए पहले फल रख लिए जाते हैं, उसके बाद सारे सूप को दौरे में सजाकर बांध लिए जाते हैं कपड़े से। तो इस तरह से हम लोग दौरा भी सजाकर बांध लिए हैं। तो अब हम लोग तैयार होते हैं और तैयार होंगे उसके बाद फिर अर्घ देने जाएंगे और अर्घ हम लोग साइड के छत पर ही दे रहे हैं। तो हम लोग एक छोटा सा घाट बना रखे हैं तो फिर अभी आप लोगों को दिखाते हैं। पहले हम लोग अर्घ देने के लिए गंगा नदी जाते थे क्योंकि गंगा नदी का जो मज़ा है वो घर में नहीं आता है, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और इतनी भीड़ होती है कि पूरी जाम लग जाती है और कभी कभी तो गाड़ी निकलना भी मुश्किल हो जाता है। एक बार तो हम लोग अर्घ देने जा रहे थे और अर्घ देने काफ़ी टाइम ख़त्म हो गया था तब हम लोग घाट पर पहुँचे थे। तो अब हम लोग अर्घ देने के लिए जा रहे हैं और इस तरह से सर पर दौरे को लेकर जाते हैं। दौरे को ले जाना बहुत ही पुण्य की बात होती है। तो हम लोग टेरिस पे अब पहुंच चुके हैं और ये देखिए ये है छोटा सा घाट बना हुआ
और अर्घ देने का भी टाइम हो गया है, इसलिए जो व्रती हैं वो अर्घ देने के पानी में स्नान करते हैं और अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्लिप छूट भी गए हैं। तो पहले आंचल पे सिंदूर लगा जाते हैं और जो लेडीज होती हैं उन्हें नाक पर से सिंदूर लगा जाते हैं और उसके बाद सूप दिए जाते हैं। फिर इस तरह से 5 बार घूमकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और बाकी सभी लोग दूध ढारते हैं पहले और उसके बाद जल गिराते हैं सूप में। और भी सूप देने थे तो फिर से सिंदूर लगा जाते हैं और उसके बाद सूप दिए जाते हैं। ये कुछ फोटोज हैं इवनिंग के। शाम को अर्घ के बाद फिर दौरा खोलकर वापस जो भी फल चढ़ाए गए थे और ठेकुआ उन सभी को बदल दिए जाते हैं। फिर दूसरे फल और ठेकुआ चढ़ाए जाते हैं सूप पर। फिर से सूप को उसी तरह सजाए जाते हैं और फिर से दौरा में बांधे जाते हैं और फिर दौरा को इस तरह से अपने सर पे रखकर ले जाए जाते हैं। शाम की तरह सुबह में भी घाट पर पहुंचकर फिर दौरे को खोलते हैं और सूप को सजा कर रखते हैं और सूप में दिए जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और फिर बैठकर गीत गाते हैं और सूर्योदय होने का इंतजार करते हैं। तो आप लोग भी हम लोग के साथ एंजॉय करें। और घाट पे पटाखे भी छोड़े जाते हैं, तो दीपावली के पटाखे बचे हुए थे तो बच्चे लोग छोड़ भी रहे हैं यहाँ पे। तो अब कुछ कुछ साफ होने लग गया है और सूर्योदय होने ही वाली है, तो जो व्रती होते हैं वो फिर इसी पानी में स्नान करते हैं और उसके बाद सूर्य भगवान की आराधना करते हैं और जैसे ही सूर्य भगवान दिखाई देते हैं फिर अर्घ देते हैं। सूर्य भगवान उठ चुके हैं लेकिन बादल से छिपे हुए हैं, इसलिए अब अर्घ देने की तैयारी करते हैं, अर्घ देते हैं। तो उसी तरह फिर सिंदूर लगाते हैं और सूप देते हैं। तो आप लोग इंजॉय कीजिए। अर्घ देने के बाद फिर हुमा देते हैं
शाम में भी देते हैं, तो शाम में सिर्फ व्रत ही देते हैं और इस टाइम सभी लोग देते हैं। तो जब तक सभी लोग दे नहीं लेंगे तब तक जो व्रती होते हैं वो बैठे रहते हैं। और यहाँ पे सभी का एक साथ सुबह का ये फोटो है। और उसके बाद कपड़ा चेंज करते हैं और इधर देखिए अर्घ देने के बाद बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, खूब नहाया उछल उछल कर। बच्चे कह रहे थे कि हम लोग स्विमिंग पूल में नहाएंगे, तो खूब उछल उछल कर इस तरह से नहाए और स्विमिंग पूल का मजा लिए। तो इधर देखिए मेरी भाभी जो है कपड़ा चेंज कर चुकी हैं और सभी को टीका लगा रही हैं। जो व्रती होते हैं जो कपड़ा पहनकर अर्घ देते हैं उस कपड़े को सभी लोग मिलकर धोते हैं और सुबह में आंचल से मुंह भी पोछते हैं। तो उसका क्लिप तो शायद नहीं ले पाए थे। सभी लोग जो छोटे होते हैं वो आशीर्वाद लेते हैं, तो जो व्रती होते हैं वो पहले प्रसाद खाते हैं, वो मुंह जूठा कर लेते हैं, उसके बाद फिर सभी लोग प्रसाद खाते हैं। तो इधर देखिए सभी लोग प्रसाद भी खा रहे हैं। बच्चों ने बहुत ही देर तक एंजॉय किया, वो निकलने को तैयार ही नहीं थे, बहुत देर तक नहाते रहे और इस तरह से स्विमिंग करते रहे बैलून लेकर। फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।